तो स्वागत है यार आप सबका। आज का वीडियो बहुत ही दुख में बनाना पड़ रहा है, तो चलिए यार जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमारे मोदी साहब ने पोर्न को बैन कर दिया है। आप ऑक्सीजन को बैन कर देते हम एक बार के लिए वो भी मान लेते, लेकिन आपने पोर्न को कैसे बैन किया? हम ये नहीं सहेंगे और हम सहे भी क्यों? आपने 377 निकाला, जिसका मतलब एक लड़का होके दूसरे लड़के की गांड मारो वो ठीक। फिर आपने इंडियन अडल्टरी केस निकाला, जिसका मतलब दूसरे की बीवी की गांड मारो वो भी ठीक, लेकिन खुद को खुश करना आपने उसी को बैन कर दिया। क्या बात है। मोदी साहब, दूसरों के खुशी में डोरे डालना बंद करो यार, पेट्रोल का प्राइस थोड़ा तो कम करो। ये पॉन बैन होने के बाद वो दिन दूर नहीं जहाँ पे लड़कियों को फेसबुक और इंस्टाग्राम में मैसेज आएगा कि दीदी पॉन बैन हो गया, न्यूड्स भेजो ना, आपको एक गरीब का आशीर्वाद लगेगा। साला पॉन बैन होने के बाद से रातें कितनी रूखी सूखी सी जा रही है। खूबसूरती के नाम पे सिर्फ मियाँ खलीफा पता थी, आप तो उसको भी नहीं देख सकते। मोदी साहब, आपको ना पता नहीं है कि आपने इन मासूम और सिंगल लॉन्डो से इनकी खुशी छीन के आपने कितना बड़ा पाप किया है। लेकिन पोर्न बैन करके क्या फायदा? क्या हम पोर्न देखना छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। आप हमको जेल में डालोगे, हम जेल में बैठ के भी पोर्न देखेंगे। पोर्न जो है ना हमारा एक हिस्सा बन चुका है। आप हमसे पानी छीन लो, हम एक बार के लिए चुप बैठ जाएंगे, लेकिन आप हमसे पोर्न छीन लो, हम दंगा कर देंगे। यही होता है हम सिंगल लॉन्डो की ताकत। तो चलिए ऐसे कोई सिंगल और ताकतवर लॉन्डो का इंटरव्यू देखते हैं। आई थिंक वी शुड बैन दैट गवर्नमेंट। आई हैव 4 TB पोर्न, सो आई डोंट नीड टू वरी फॉर नेक्स्ट। बिल्कुल सही बोल रहा है ये बंदा। पहले इस गवर्नमेंट को बैन करो, फिर इस बंदे को ढूंढ के लाओ। साले के पास 4 TB पोर्न है, ये अभी शैतानों के बीच भगवान का काम कर रहा है। इसको जल्द से जल्द ढूंढ के लाओ। इट्स नॉट इलीगल, लाइक फर्दर जनरेशंस विल बी वाचिंग आल्सो। नहीं भाई, सिर्फ फर्दर जनरेशन नहीं, हम भी देखेंगे पोर्न। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम अपनी आजादी और सुख नहीं छोड़ेंगे। हम भी देखेंगे पोर्न। टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बैन दैट द गवर्नमेंट हैज इशूड ऑन पोर्न? आई थिंक इट्स वेरी स्टूपिड। यहाँ पे एक सुंदर और समझदार कन्या को भी समझ में आ रहा है कि इस देश में कुछ गलत चल रहा है। मोदी साहब, अभी आप भी समझ जाओ यार, हटा दो इस पॉन से बैन। Actually, it's not good for ministers also because they can't watch porn in the ministry. बिल्कुल सही बोल रहा है ये बंदा। आपको क्या लगता है, जिसने डिसीजन दिया वो खुद पॉन नहीं देखता होगा क्या? डिसीजन देने से पहले उसने खुद 10 GB का स्टॉक डाउनलोड करके रखा होगा अपने पास। The ban has been taken off yesterday. Now are you happy? ओ बहनचोद, पोर्न से बैन हट गया। सॉरी यार मोदी साहब, मैंने आपको बिना मतलब ही भला बुरा सुना दिया। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? साला पोर्न से तो बैन हट चुका है, मैं जा रहा हूँ यार पोर्न देखने के लिए। साला कितने दिनों बाद पोर्न देखूंगा, मैं जा रहा हूँ, चलो टाटा। अरे रुको रुको यार, ये सुन के जाओ। हैप्पी दिवाली यार सबको। मैं आशा करता हूँ यार आप सबका दिवाली बहुत सुखी और सुरक्षित गुजरे। अब आप दिवाली में जैसे बम फोड़ोगे वैसे ही सब्सक्राइब के बटन को भी फोड़ दो यार, और लाइक और शेयर करना भी मत भूलो। और हमारा फेसबुक में भी पेज है यार, उसको भी लाइक और फॉलो करो, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलो थैंक यू, बाय। पान 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 पान।